नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो तो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को 3 जनवरी से टीका, मोदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर नया ऐलान किया है। नए साल में 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी टीका लगेगा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों एवं 60 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों को टीके की एक और एहतियाती खुराक बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 3 जनवरी से 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। अभी देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को ही टीके लगाने का प्रावधान है। करीब 20 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा है कि इससे जो है स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों की चिंताएं दूर होगी। बता दें कि शनिवार को ही भारत के ड्रग कंट्रोलर ने कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है। इससे जो है कम उम्र के बच्चों के लिए इसके उपयोग पर निर्णय बाकी है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में कल छाए रहेंगे बादल, अगले 3 दिनों तक होगी हल्की बारिश। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तापमान इस कदर नीचे चला गया है कि लोगों का घर से निकलना दुभर हो गया है। इतना ही नहीं, सुबह और शाम में तापमान कम होने के कारण लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर में धूप के कारण लोग थोड़ी राहत महसूस करेंगे, लेकिन सुबह और शाम में तापमान कम होने के कारण कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगले 3 दिनों के बाद झारखंड में शीतलहर के दूसरे दौर की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का मानना है कि 27 दिसंबर यानी सोमवार को झारखंड में बादल छाए रहेंगे। वहीं इसके बाद 28 दिसंबर, 29 और 30 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक बार फिर से राज्य में कड़ाके की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हल्की बारिश होने से झारखंड के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। उनकी माने तो न्यूनतम तापमान घटकर 5 डिग्री सेल्सियस तक होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग की दनवा घाटी में भीषण हादसा, गैस टैंकर में आग लगने से विस्फोट, 3 लोग की मौत। झारखंड के हजारीबाग चौपारण थाना क्षेत्र की दनवा घाटी में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। घाटी में देर रात करीब 10 बजे एक गैस टैंकर पलट गया। गैस टैंकर हाथिया बाबा घाटी के ढलान में अनियंत्रित हो गया था, जिसके बाद टैंकर पूरी तरह पलट गया। इसके बाद जो है टैंकर में आग लग गई, जो देखते ही देखते भीषण हो गई। इसे जो है टैंकर समेत 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद टैंकर धू धू कर जलने लगी, साथ ही जो है आग ने अपने चपेट में आधा दर्जन से अधिक ट्रकों को भी ले लिया। टैंकर पर लगी आग की चपेट में आकर वे सब भी जलने लगे। वही आग लगने के बाद जीटी रोड में अफरा तफरी मची रही। अगली बड़ी खबर की बात करो रांची, कोडरमा, धनबाद में पैर पसार रहा कोरोना, रहे सावधान। झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के रांची, कोडरमा और धनबाद में कोरोना पैर पसार रहा है। इन जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना जरूरी है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर रांची में कोरोना के 22, कोडरमा में कोरोना के 18 और धनबाद में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है। वहीं रांची में 125 एक्टिव केस हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह से राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी जिलों में अलर्ट हो गई है। साथ ही साथ लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में 2 मालगाड़ियों की सीधी टक्कर, गुमला के कुरकुरा में 15 डिब्बे उतरे पटरी से, लोको पायलट ने कूद कर बचाई जान। गुमला जिले के कुरकुरा रेलवे स्टेशन पर लाइन नंबर 3 के समीप पकरा कुरकुरा के बीच 2 मालगाड़ी ट्रेन के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। मालगाड़ी के सीधे भिड़ंत में एक मालगाड़ी का चालक रंजीत उराव गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए रांची भेजा गया है, जबकि दूसरे मालगाड़ी के चालक ने समय पर कूद कर अपनी जान बचाई। इस घटना में मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना शनिवार रात्रि करीब 10 बजे की है। वही घटना की सूचना पर रविवार की सुबह कुरकुरा थाना प्रभारी सहित रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से पटरी से जो है उतरे डिब्बों को उठाने का कार्य जारी है।
हैं। वहीं रेलवे अधिकारियों के अनुसार एक ट्रेन हटिया से जो है राउरकेला की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी ट्रेन राउरकेला की ओर से आ रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो हेमंत सोरेन के राज्य में बढ़ी बेरोजगारी, झारखण्ड में भत्ता के लिए करीब 6 लाख आवेदन। झारखण्ड में बेरोजगारों के नाम पर राजनीति का खेल जारी है। राज्य के 24 जिलों के 43 नियोजनालय के आंकड़ों पर गौर करें तो इस वक्त 5,60,722 बेरोजगार नौजवान के आवेदन लंबित है। यानी हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के हकदारों की संख्या 5,60,000 के पार चली गई है, जबकि श्रम नियोजन विभाग ने बेरोजगारी भत्ता के मामले में चुप्पी साध ली है। जानकारी के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर देश में 4th स्थान तक पहुंच गया है। झारखंड में समय के साथ बेरोजगार नौजवानों की फौज बढ़ती ही चली जा रही है। राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद से आवेदनों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा रोजगार नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा का ये असर है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 26,000 शिक्षक भर्ती को फिर बदलेगी नियमावली। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के फिर से संशोधन के बाद ही शुरू होगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषय के शामिल होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी शुरू कर रहा है। प्राथमिक, मिडिल से लेकर हाई स्कूल में शिक्षक का पद जिला स्तर का है और उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है। राज्य सरकार ने 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की है। इस आधार पर अब फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सूबे में 4 सोलर पार्क के लिए केंद्र की मंजूरी। नवीकरणीय ऊर्जा पर 2022 में सरकार का विशेष जोर रहेगा। नई सौर ऊर्जा नीति लागू करके राज्य में सौर ऊर्जा के साथ जो है पन बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। सोलर फार्मिंग के साथ गिरिडीह का सोलर सिटी के रूप में विकास शुरू होगा। वहीं राज्य में पलामू, गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के सोलर पार्क को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा सोलर पार्क के लिए निविदा प्रक्रिया निकालने की कयावत कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो गिरिडीह में सड़क हादसा। गया से कोलकाता जा रही महारानी बस निमिया घाट में पलटी, 5 घायल, पुलिस मौके पर पहुंची। गिरिडीह जिले में रविवार की सुबह हुए सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। निमिया घाट थाना क्षेत्र के गलाघी मोड़ के समीप जीटी रोड पर यह दुर्घटना हुई है। बिहार के गया से पश्चिम बंगाल के कोलकाता जा रही महारानी बस असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस कारण बस मौके पर ही पलट गई। इस हादसे में बस में सवार शंकर कुमार, इनायत हुसैन, नासिर हुसैन, अर्जुन सिंह और रितेश कुमार को चोट लगी है। यह सभी बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अगली बड़ी खबर की बात करो तो कोल्हान विश्वविद्यालय में सत्र 2022 से खुलेंगे 2 नए कॉलेज। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका व पटमदा प्रखंड में संचालित होंगे अंगीभूत महाविद्यालय। प्रक्रिया पूरी। नए वर्ष पर पूर्वी सिंहभूम जिले को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2 नई सौगात मिलने जा रही है। इसके तहत जिले के पोटका व पटमदा प्रखंड में 2 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने जा रहे इन दोनों जो है कॉलेजों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। पोटका में नए कॉलेज के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। पटमदा में यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। पोटका में चयनित भूमि पर भवन निर्माण से पहले महाविद्यालय का संचालन जो है हल्दी पोखर के विद्यालय भवन में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो ठंड से बचने का तरीका हो रहा है जानलेवा साबित। रूम हीटर और अंगीठी से सावधान। दम घुटने से 4 दिनों में 7 की मौत, 10 दिन में 66 लोग पहुंचे रिम्स। राजधानी में पिछले सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ठंड से जो है बचने के लिए किए गए प्रयास कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार लोग ठंड से बचने के लिए कमरे को बंद कर रूम हीटर और अंगीठी जला लेते हैं और आलस व गर्माहट के कारण कई बार लोग इसे बंद करना भूल जाते हैं, जो मौत का बड़ा कारण बन रहा है। जहां मौत हुई है वहां देखा गया है कि कमरे में एक भी ऐसा कोना नहीं था जहां से हीटर या अंगीठी का गैस बाहर निकल सके। चूंकि जो है अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो जानलेवा है, इसलिए जो है इसके इस्तेमाल से पूर्व सावधानी जरूरी है। 10 दिनों में रिम्स की ओपीडी में 66 लोग ऐसे पहुंचे हैं जिन्हें रूम हीटर के इस्तेमाल से परेशानी हुई है। यही नहीं, पिछले 4 दिनों में ही बंद कमरे में हीटर और जो है अंगीठी के इस्तेमाल से 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सतर्कता जरूरी। राज्य में 5 दिन में 222
केस रिव्यू करने आएगी केंद्रीय टीम। झारखंड में भी बढ़ने लगे कोरोना के केस। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड समेत 10 राज्यों में मल्टी जो है डिसिप्लिनरी टीम तैनात करेगा। ये वैसे राज्य हैं जहां कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन या कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से कम हो रहा है। झारखंड के अलावा बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इन टीमों को तैनात किया जाना है। ये टीमें 5 दिन तक रहेगी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। झारखंड में यह टीम सोमवार को पहुंचेगी और कोरोना से निपटने की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। ये टीम हर राज्य में 5 दिन तक रहेगी और 10 बिंदुओं पर समीक्षा करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।